नहीं नहीं आप हमसे ऐसे कैसे कह सकते हैं चाहेंगे इनको चलाएंगे अपने न्यूज पे। कोई डॉक्टर साहब आप क्या भागना चाह रहे हैं? अरे जाए यहाँ से। क्षय रोग विभाग के डॉक्टरों ने पेड़ के नीचे बैठकर की ओपीडी, पेड़ के नीचे खुले में बैठकर ही लिखी मरीजों को दवा। पेड़ के नीचे बैठकर खुले में ही ओपीडी शुरू कर दी और मरीजों को देखने लगे और उन्हें दवाइयां भी लिखने लगे। जब इस बारे में डॉक्टर शेखर से बात की गई कि आप खुले में क्यों ओपीडी कर रहे हैं तो वह मीडिया कर्मियों से अभद्रता करने लगे और कहने लगे कि आप पर जो किया जाए कर लीजिए। अरे आप बुला लो ना, आपको पता है आपकी वजह से मरीज कितने परेशान हैं। बिल्कुल, आप धूप में बैठे हैं, आप मुझसे कुतर कर रहे हैं। लाइट नहीं आ रही, गर्मी में बैठ के मरीज देख रहे हैं, ऊपर से आप लोग यहाँ पे आके बहस करते हैं, आप मेरा काम नहीं करने दे रहे, सरकारी काम में बाधा डालते हो आप लोग। नहीं नहीं आप हमसे ऐसे कैसे कह सकते हैं? चलो आप कौन है आपने? बिल्कुल परेशान। वहीं जब इस विभाग के एचओडी सौरभ यादव से बात की गई तो उनका कहना है कि लाइट नहीं आ रही थी और इन्वर्टर भी नहीं है, इसलिए बाहर बैठकर मरीजों को देखना पड़ा। वार्ड में उसमें ओपीडी में इन्वर्टर वगैरह है नहीं है, व्यवस्थाएं है नहीं है अभी, क्योंकि अभी ओपीडी शिफ्ट हो गई है, ये दीदामई ओपीडी शिफ्ट हो गई है, जो भी थी ना पहले सीएमओ लेवल के जो थे, अब हम लोगों का हो जाएगा जब अभी हो जाएगा। जब हमने इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी रवि रंजन से बात की तो उनका कहना था कि अभी यह मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैंने मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता अनेजा को इसमें जांच करने की सख्त कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिए हैं। नीचे ओपीडी चल रही है, सैकड़ों करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया है इस मेडिकल कॉलेज के लिए, मरीजों को पूरी सुविधा क्यों नहीं मिल रही? ये मामला अभी संज्ञान में आया है और हमने अभी जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संगीता अनेजा, उनको अभी डायरेक्ट किया है कि जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको चेक करा लें और इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इसको अभी हम लोग चेक कराते हैं।